हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं काजल कुकिंग। आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूं। तो आज हम बनाए हैं रुई मछली। तो देखिए किस तरह बनाए हैं, चलिए देख ले रहे हैं कि रुई मछली किस तरह बनाते हैं। तो इधर मैंने रुई मछली लिया, अच्छी तरीके से इसे धो लिए हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक डाल दिए हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल दिया। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने मिला लिया है। इधर मैंने चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो रहा है। इधर मैंने सरसों पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए रखे हुए हैं। इधर मैंने पीस पीस पतले पतले पीस करके आलू काट लिए हैं, एक प्याज है और दो बड़े टमाटर है। तो कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम मच्छी को फ्राई कर लेंगे। तो मच्छी को अच्छी तरीके से लाल करके फ्राई कर लेंगे हम। तो मच्छी मेरा फ्राई हो चुका है, उधर से पलट लेंगे इसे हम सबको, और उस तरफ से भी लाल होने देंगे हम। अभी उस तरफ से लाल हुआ नहीं है। तो देखिए उस तरह से भी लाल हो चुका है, मच्छी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से सब मच्छी को हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इधर सब फ्राई कर लिया, मछली को सब निकाल लिया फ्राई करके। तो इसमें तेल में हम दे देंगे तेज़पत्ता, जीरा, और इसमें हम प्याज डाल देंगे। और प्याज को हम एक मिनट तक फ्राई करेंगे। देख सकते फ्राई, प्याज को हम फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें हम आलू को डालेंगे। आलू को डाल लिए हैं, आलू को भी फ्राई कर लेंगे हम। देखिए आलू भी फ्राई हो चुका है। आलू भी फ्राई हो चुका है। तब इसमें हम सारे मसाले को भी डाल देंगे, जो मसाले सब निकाल के रखे हुए थे। और सरसों के मसाले को भी जो पेस्ट करके रखे हुए थे उसे भी डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। और इसे हम अच्छे तरीके से मिलाकर मसाले को फ्राई करेंगे। मसाले को 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, और बीच बीच में मसाले को इसी तरीके से चलाते रहिएगा, नहीं तो मसाला अंदर से नीचे से चिपक जाएगा। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल दे रहे हैं। आप जितना ग्रेवी रखिए उसके अनुसार रखिएगा नमक को भी। अब इसमें हम टमाटर को भी डाल दे रहे हैं, ताकि अच्छी तरीके से टमाटर भी फ्राई हो जाए, टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए मसाला मेरा थोड़ा फ्राई हो चुका है, इसे और फ्राई करेंगे हम। ये पूरी तरीके से फ्राई हुआ नहीं है। तो ये देखिए मसाला फ्राई हो चुका है, इसे हम 1-2 मिनट तक ऐसे ही और फ्राई करेंगे।
अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे मसाले को, पूरा अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। मसाले के साथ फ्राई करते करते ये आलू पक जाते हैं अच्छे तरीके से, पतले पतले आलू काटे रहते हैं। तो ये फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम ग्रेवी अनुसार पानी को डाल देंगे। देख सकते हैं पानी मैंने डाल दिया है इसमें। आप जितना ग्रेवी रखना चाहें आप उसी अनुसार से पानी डालिएगा। इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे हम, हमको इतना ग्रेवी से होगा नहीं इसलिए थोड़ा सा और पानी डाल दिए हैं। अब इसमें हम उबाल आने देंगे। तो देखिए उबाल आ चुका है, अब इसे हम चला लिए एक बार, और आलू तो भी मेरा पक चुका है इसमें। अब इसमें हम फ्राई किए हुए मच्छी को डाल देंगे। तो देखिए मच्छी को डाल दिए हैं, अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसमें अच्छे से हम एक दो उबलने देंगे एक दो बार। तो देखिए उबल रहा है मेरा मच्छी कितने अच्छे से, तो उबल गया अच्छे से। अगर आपको भी इस तरह से बनाना है तो आप भी बनाइएगा ज़रूर। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।